उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार एक संवेदनशील क्षेत्र है, वहां का जिला है, जहां पर कि लक्सर, कादराबाद और भगवानपुर ये क्षेत्र ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित प्रभावितों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। आइए सीधे जानकारी हासिल करते हैं जिला सूचना अधिकारी अर्चना जी से। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। इस समय की स्थिति कोरोना को लेकर जनपद हरिद्वार में क्या है, जानकारी चाहते हैं आपसे। अभी कुल केसेस के मामले में मैं आपको जो बता पाऊंगी वो यही है कि 5 केसेस जो पॉजिटिव हैं डिस्ट्रिक्ट में जी, जिनमें से भगवानपुर, हरिद्वार, लक्सर और रुड़की हैं शामिल। इन क्षेत्रों से लोगों को पाया गया पॉजिटिव। इनमें भगवानपुर से 1, हरिद्वार से 1, लक्सर से 1 और रुड़की से 2 मामले जो पॉजिटिव पाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, सरकारी प्रयास और व्यवस्थाएं क्या हैं? व्यवस्थाएं कुल मिलाकर अभी तक जो हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जी, सभी लोग अपना अच्छा वो दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से जो व्यवस्थाओं में जिलाधिकारी महोदय के साथ 2-4 बार हमने इंस्पेक्शन में जो देखा कि कुछ संस्थाओं के जो स्वयं सेवी के रूप में कुछ संस्थाएं अपने बिल्डिंग्स को, भवनों को जिला प्रशासन को सौंप चुकी है कि इनका COVID-19 के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसमें से 30 बेड चित्रा गार्डन के स्वामी हैं गौरव मेहता, उन्होंने डीएम साहब को ये दिए हैं। और अपना जो मैरिज का ओपन एरिया था, मैरिज बैंकेट हॉल का, वो अधिग्रहित किया गया जिला प्रशासन द्वारा और उसमें व्यवस्थाएं कर ली गई हैं आइसोलेशन के लिए जी। अर्चना जी, मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा था कि लॉकडाउन के दौरान उसके अनुपालन के लिए व्यवस्थाओं को लेकर क्या पुलिस प्रशासन और तमाम जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सराहनीय हैं। और लॉकडाउन का सच बहुत ज्यादा तो उल्लंघन नहीं, लेकिन जहां उल्लंघन हो रहा है वहां मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं जी। और तीर्थ नगरी है हरिद्वार, जहां पर कि बहुत सारे लोग, हो सकता है कि तीर्थयात्री फंसे हुए हों, अपने अपने गंतव्य तक न जा रहे हों, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं खाने को लेकर, उनके आवास को लेकर, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? जी बिल्कुल की गई है। इसमें पर्यटन विकास विभाग की तरफ से जो बाहरी राज्यों के तीर्थयात्री यहाँ थे, जो पर्यटक यहाँ थे लॉकडाउन से पहले यहाँ आए हुए थे जी, और लॉकडाउन के दौरान जो यहीं पर रह गए हैं, वो जिस होटल में, जिस जगह पर उनको उन्होंने अपने ठहरने की व्यवस्था की गई थी, उन सभी होटलों को निर्देश दिए गए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से, कोई भी होटल अपने यहाँ ठहरे ऐसे यात्रियों को निकालने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और ये आदेश भी लिखित रूप से भी जारी हुए और विभाग की तरफ से भी खूब इसको बताया गया। अभी वैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि समस्या आ गई है, तो सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं। होटल्स के साथ भी कई दफा बातचीत हो चुकी है, एसोसिएशन के साथ बात हुई है, तो उसमें जो यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था थी वो जहाँ ठहरे थे वहाँ ठहराया गया है। और खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था, इनकी संख्या के हिसाब से भोजन वितरण का कार्य भी कराया जा रहा है। सैनिटाइजेशन को लेकर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो नगरपालिका है या जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से मेटलाइज की जा रही है? सैनिटाइजेशन तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, ब्लॉक लेवल से गांव लेवल तक जा रहा है, कस्बे तक, सरकारी निजी सभी जगह पर सैनिटाइजेशन की जो कार्य है वो कराए जा रहे हैं। और उसमें अगर किसी व्यक्ति द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कोई जगह, कोई गली, मोहल्ला, बस्ती छूट भी रही है, उसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। अर्चना जी, AIR FM देहरादून पर क्या मैसेज है आपका हरिद्वार वासियों के लिए, सुनने वालों के लिए? मैं सभी हरिद्वार वासियों से ये एक अपना विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग जहाँ पर हैं वो वहाँ पर रहें और जिला प्रशासन उनको किसी भी इस चीज के लिए, परेशानी के लिए अगर उनको दिक्कत सामने पेश आ रही है तो हमेशा उनके साथ खड़ा है। उनके लिए कई सारे हेल्पलाइन नंबर हम बार बार रिपीटेडली हम फ्लैश कर चुके हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मेरा नंबर भी है, मेरा जो मेरा एक 7055007017 वाला नंबर है, ये ऑलरेडी किसी ने मुझसे हेल्प लेने के बाद गूगल पर डाल दिया है। और कोई भी इसको यूज करना चाह रहा है, मुझसे किसी तरह की बात करना चाह रहा है, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल इस नंबर पर बताए, मैं किसी भी नंबर को रिसीव कर रही हूँ और डीएम महोदय तक इस समस्या को पहुंचा रही हूँ। अर्चना जी, आकाशवाणी के साथ बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, ज्ञानी जी बहुत बहुत।